नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप गूगल में नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि पहली बार गूगल के अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसीज को आउट किया गया है, जिसकी पूरी जानकारी हम लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको बता दें, गूगल में जो जॉब निकाली गई है ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। आप अगर इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी सिटी में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट जो है मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते समय आपको ध्यान देना है, बिल्कुल फ्री में आपको अप्लाई करना होगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आप ऑनलाइन फोरम में डाल रहे हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, अदरवाइज आपका फोरम रिजेक्ट हो जाएगा या तो आपको बाद में कोई भी कॉल नहीं आएगी। ठीक है, बाद में आप कमेंट करेंगे तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज हम आपको बताएंगे अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि अप्लाई करने का जो पार्ट है आज के इस वीडियो का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। वहीं हम बात कर लेते हैं कि यहां पर कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेशर और एक्सपीरियंस सभी कैंडिडेट्स के लिए यहां पर जॉब है। अगर आप एज अ फ्रेशर हैं, आपने कभी भी कहीं पर भी काम नहीं किया है, ना ही आपने गूगल में काम किया है, तब भी आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी एग्जाम आपका नहीं लिया जा रहा है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यहां पर पहली बार अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकाली गई है, तो काफी सारी बल्क में यहां पर हायरिंग ली जा रही है और काफी अर्जेंट हायरिंग भी ली जा रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको यहां पर सिर्फ हिंदी बोलना आता है, लिखना आता है, पढ़ना आता है, तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सैलरी के अलावा काफी सारे बेनिफिट भी आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है काफी शानदार वैकेंसी होने वाली है आप सभी के लिए और आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की अपडेट दी जाती है। ये जो चैनल है इंडिया का नंबर वन एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की अपडेट दी जाती है। तो चैनल आप पहचान लीजिएगा, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी है। यहां पर आपको सब्सक्राइब करने के बटन पर दबाना होगा, यानी कि सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही साथ आपको घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसे भी दबा करके ऑल कर दीजिएगा। ठीक है, तभी आपको नए जॉब के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकते हैं। ठीक है, और ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है tipsworld.xyz, यहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। गूगल की वैकेंसी की अपडेट भी आप यहां से ले सकते हैं, लिंक भी आपको यहां पर दिया गया है, डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करने जा रहे हैं गूगल की नई रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि इस साल 2024 की नई वैकेंसी है। गूगल में ये जो वैकेंसी निकाली गई है, अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसीज है, डिपार्टमेंट और वैकेंसीज के बारे में यहां पर जानकारी फुल दे रखी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वैकेंसी है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट की है, डाटा साइंस की है, यूजर एक्सपीरियंस की है, सेल्स की है, मार्केटिंग की है, फाइनेंस और ऑपरेशन में भी है, एचआर डिपार्टमेंट की भी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आरएनडी की वैकेंसी भी है, असिस्टेंट की है, ऑफिसर की है, एसोसिएट की है, ऑफिसर्स की है। आप देख सकते हैं मल्टीपल जॉब है यहां पर निकाली गई है। ठीक है, तो मल्टीपल जॉब है जिसके आवेदन आपसे कैसे मांगे जा रहे हैं, ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होगा। आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जॉब लोकेशन ऑल इंडिया की रहेगी। ठीक है, जहां कहीं भी आप रहते हैं आपको ये जॉब मिल जाएगी। गूगल के अलावा काफी सारी जॉब है, जैसा कि TCS वर्क फ्रॉम होम जॉब, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जॉब, पेटीएम की जॉब भी है, कॉन्सर्टेक्स की वैकेंसी है, उन सभी के लिंक भी आपको यहां पर दिए गए हैं, वन बाय वन करके क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, गूगल की इस वैकेंसी के लिए आपको सैलरी कितनी मिल रही है, ये काफी सारा सवाल रहता है आप सभी का। तो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी है, फिर भी आपको बता दें ₹32,000 पर मंथ आप सैलरी बड़े ही आराम से कमा सकते हैं। ठीक है, और आपको जो है ₹1.5 लाख तक आप पर मंथ सैलरी पा सकते हैं। तो सैलरी गूगल में आपको बहुत शानदार देखने को मिलती है और सैलरी के अलावा काफी सारी फैसिलिटी, काफी सारे बेनिफिट भी आपको यहां पर मिल जाते हैं। ठीक है, ये जो जॉब है ऑल इंडिया की जॉब है, इसमें मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल की आपकी होनी चाहिए। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं, मैक्सिमम के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, सभी कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वहीं एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है सभी के लिए, कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं, बिल्कुल फ्री में आपको अप्लाई करना होगा। अब दोस्तों, आपको बता दें कि गूगल की इन वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। वैसे तो सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ज्यादातर जो वैकेंसीज निकाली जा रही है 12th ग्रेजुएट ITI डिप्लोमा डिग्री बेसिस पे निकाली जा रही है। अगर आप MBA पास है, अगर आपने CA कर रखा है, कुछ भी अगर आपके पास मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है तो आपके लिए यहां पर भर भर के वैकेंसीज निकाली गई है। लेकिन कुछ वैकेंसीज ऐसी है जो कि अभी अभी हाल ही में निकाली गई है, जिसके लिए 10वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लगभग मतलब सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से होने चाहिए वो पूरी लिस्ट यहां पर है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपका जो रिज्यूमे है, मतलब जो CV है, वो आपके पास होना चाहिए और वो भी अपडेट होना चाहिए, जिसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अपडेट, आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्किल होनी चाहिए, आपके अचीवमेंट होने चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस जो भी है उसमें आप अपडेट कर दीजिएगा और सीधा
अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है, तभी आपको यहां पर कॉल आएगी, ठीक है। उसके बाद जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम, वो आपके सीवी में मेंशन होनी चाहिए, कम से लेकर के मैक्सिमम आपने कब कब उनको हासिल किया है, ठीक है, कितनी परसेंटेज है उसके अंदर, और यहां पर आपने कौन सी बोर्ड से कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट की है, सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि आपके सामने जो बैठा रहे एचआर का डिपार्टमेंट का, वो आपसे ज्यादा सवाल ना करें और आपके जो भी सवाल के जवाब है वो आपकी सीवी में मिल जाए, ठीक है। अगर आप वो जानकारी मेंशन नहीं करेंगे तो बार बार आपसे सवाल करेंगे और फिर आप कंफ्यूज होकर गलत जवाब दे देंगे, ठीक है, तो वहां आपकी पकड़ हो जाएगी। उसके बाद आपका जो भी आईडी है, जैसा कि आप देख सकते हैं गवर्नमेंट द्वारा जो भी इश्यू आपका आईडी है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, जो भी आपका है वो आपको यहां पर लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो लगा दीजिएगा, काफी अच्छी बात हो जाएगी, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, बड़े ही आसानी से जल्दी जॉब भी मिल जाएगी। उसके बाद प्रोफेशनल सर्टिफिकेट जो भी है आपके, मान लीजिए अगर आपने यहां पर एमबीए कर रखा है, होटल मैनेजमेंट कर रखा है, सीए कर रखा है, कुछ भी है तो वो आप लगा दीजिएगा, और यहां पर आपके पास में कुछ भी वर्क एक्सपीरियंस है वो लगा दीजिएगा, रेफरेंस अगर आपका कोई भी मिलने वाला या कोई भी आपका है जिसको आप जानते हैं गूगल में काम कर रहा है तो उसका रेफरेंस आप दे सकते हैं, ताकि आपको इजी रहेगा, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देनी होगी, कवर लेटर तैयार करना होगा, एडिशनल डॉक्यूमेंट जो भी है आपके वो लगा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपको अप्लाई कैसे करना होगा वो प्रोसेस भी आपको बताया गया है, ताकि आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सके। यहां पर आपको दोस्तों लिंक दिया गया है, यहां पर डायरेक्टली आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। आप आ जाएंगे गूगल करियर के ऑफिशियल पोर्टल पर और यहां पर आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है। अगर आपने साइन इन नहीं किया तो साइन इन करिएगा पहले, तभी आपके सामने ऑनलाइन फॉर्म आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पर आपका जो भी रोल है, जिस रोल में आप इंटरेस्टेड हैं वो आपको टाइप करना है, फिल्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लोकेशन डालना होगा आपको, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम लिख देते हैं इंडिया, ठीक है। इंडिया में जो भी वैकेंसीज होगी वो आपके सामने आ जाएगी और यहां पर आपको सिंपली सर्च कर लेना है। अब आप देखेंगे कि इंडिया में जो भी वैकेंसीज हैं, मतलब हर एक कैटेगरी की, हर एक रोल की वो वैकेंसीज आपके सामने आ चुकी है। इसे यहां से भी आप फिल्टर कर सकते हैं, लोकेशन, एक्सपीरियंस, आपकी जो भी है डिग्री वगैरह वाइज, आप यहां से सर्च कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। अब यहां पर काफी सारी जॉब्स हैं, उसकी आप वन बाय वन करके जानकारी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे आप यहां पर लर्न पोर्टल पर क्लिक करेंगे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जानकारी लेकर के आपको करना क्या है, सिंपली अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको फिर से यहां पर लॉगिन करना होगा, तो आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, फिर आपको लॉगिन करना है। मैंने इसलिए पहले ही आपको कहा था लॉगिन कर लीजिएगा, ताकि आगे जाके आपसे आईडी ना मांगे, ठीक है। तो आपको यहां पर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट बना सकते हैं, आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं सीधा आप यहां पर, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करके आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।